कैसे हैं आप सबको, फिर से स्वागत है विनाश फिटनेस क्लब में। तो आज हमारे डे 5 रिकवरी मोड का, और भाई आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता दूँ क्यों, आज है 10 में और आज गौरव तनेजा सर का ब्रांड लॉन्च होने वाला था और मेरे को मिला था उस वेबसाइट का अर्ली एक्सेस, क्योंकि मैंने फॉर्म पहले फिलअप कर दिया था। तो मैंने ना प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स ऑर्डर भी कर दिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हें दिखाना, रिव्यू करना और मैं खुद पर्सनली उसे चेक करना चाहता हूँ यूज़। तो पहले करते हैं व्लॉग को शुरुआत, व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा जो जो मैंने ऑर्डर करा, और आपको इस मेरे चैनल पे सारा रिव्यूज़ दिख जाएगा, ठीक है। तो बड़े कर लेते हैं दिन की शुरुआत, पानी वानी भी लेते हैं। टाइम बताया था, टाइम हो गया 9:30, ऑर्डर मेरा डन हो चुका है, पानी वानी तो पी चुके हैं। टाइम अगर बताया तो भाई टाइम हो चुका है 9:50। अभी शायद मेरे को ना कुछ काम से जाना पड़ जाएगा, तो जिम के लिए 10-15-20 मिनट फिर दोबारा से लेट हो सकता हूँ। बाकी आप खा रहे हैं अंजीर और बादाम पानी ले रही हैं, नारियल पानी लेके अब बना लेते हैं भाई अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक। अपना कोकोनट वाटर ये अपना निकल गया, और इसके साथ हम डालेंगे सिट्रोलिन मेलाटे, इसको मिक्स करके लेके जाएंगे अपनी प्री वर्कआउट ड्रिंक। भाई हीप स्कूप देख सकते हो आप, प्री वर्कआउट ड्रिंक हो चुकी है रेडी। अब आज हमें वर्कआउट में करना है थाई और शोल्डर का वर्कआउट करना है, तो देखते हैं भाई कैसा होने वाला है। टाइम एक बार बताया तो भाई 10:20 हो चुके हैं और 11 बजे तक हमें जिम से आना है वापस, तो देखते हैं कैसा। प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट भाई काम कर रहे हैं, वो डेली जिम जाना बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है देखो डेली जिम जाने से, ठीक है। तो पहले अपनी पीले थे पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, क्योंकि फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है, टाइम हो जाएगा 11 बज चुके। पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक में 5 ग्राम क्रिएटिन यूज करेंगे, 10 ग्राम डालेंगे ग्लूटामाइन रिकवरी के लिए, बाकी हम इंपैक्ट वे यूज कर रहे थे आइसोलेट माई प्रोटीन का, दो स्कूप इसमें। भाई आप टाइम देख सकते हो 11:10 पे हम जिम से वापस आ गए, हम गए थे अराउंड 10:35 के आसपास, अराउंड आधा घंटा हमने। इसे कहते हैं टाइम मैनेज करना, अगर मैं हो सकता था तो भाई जिम भी नहीं जाता, क्या मैं सोचता यार खाली आधा घंटा है नहीं हो पाएगा वर्कआउट। भाई भाई कुछ तो कराना, थोड़ा सा तो वर्कआउट कराना, बॉडी पंप हुई बढ़िया एकदम, वेट वगैरह भी सही लिफ्ट करो, पंप भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी देर मिले वर्कआउट करने की करना चाहिए, बस मिस मत करो, ठीक है। बट यार मेरे से खुद भी मिस हो ही जाता है, सच बताऊँ तो यार इतने ज़्यादा टाइम की दिक्कत आती है ना जॉब के साथ साथ। तो अपनी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बना ली, पहले इससे पीते हूँ फिर फटाफट से निकलते हैं ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट करके। ओके हो चुके फ्रेश, अब देखते हैं यार ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या खाएंगे, अभी घर पे बन रहा है तो अभी आएगा तो आपको दिखाता हूँ। वेट करो, ब्रेकफास्ट आ चुका है, आज हम खा रहे हैं भाई सैंडविच जिसके अंदर है टमाटर प्याज और गाजर, साथ में पीरियम टी, इसको फिनिश करके फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए हमारी। आज एक सीन हो गया मेरे को ना, द्वारका सेक्टर 21 की मेट्रो में बैठना था, बट मैं बैठ गया द्वारका वाली में, मेरे को चेंज करना पड़ रहा है और ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका है यार, आज भी 12:50 के अराउंड हो गया, लेट सी कितने बजे पहुँचूंगा यार ऑफिस। फाइनली यार आ चुके घर पे, एक बार आपको टाइम बताता हूँ, टाइम हो गया भाई 1:45, आज बहुत ही ज़्यादा मैं लेट हो गया, ऑफिस से निकला था अराउंड 11:30 के आसपास और पहुँचते भाई 2 बज चुके हैं। मील्स आज मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस कैफेटेरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं बताया तो फर्स्ट मील में लेके गया था 2 रोटी, साथ में घर के अंदर बनी थी आई थिंक यार कौन सी सब्जी थी, कोई वेजिटेबल ही थी मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। सेकंड मील के अंदर मैं लेके गया था भाई कम से कम 5 सैंडविच खाए, और हमने ऑफिस के अंदर कुछ खाया नहीं भाई, और कुछ भी नहीं खाया ऑफिस के अंदर, खाली 2 मील्स ही लिया मैंने, और हाँ मैंगो खाया था मैंने ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो बाकी आज का दिन यार यहीं पे एंड कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ भाई, कल भी ऑफिस कह लो जिम जाना है और ऑफिस भी जाना है, कल सैटरडे है, ठीक है। तो कल करेंगे इस व्लॉग को कंटिन्यू, मतलब इस व्लॉग को नहीं, नेक्स्ट डे का व्लॉग आप देखना। अब हम पी रहे हैं दूध, खा रहे हैं ब्रेड, करें इस व्लॉग को एंड, स्टे ट्यून्ड, बाय।